हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो एसएससी 2024 के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के वोकैब पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एजेंडा ऑफ द सेशन क्या रहने वाला है, जिसमें हम 5 वोकैब पढ़ेंगे, 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम एंड फ्रेजेस एंड 5 रूट वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या, आपके सेक्शन में पहला जो वर्ड है वो है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, घिनौना, स्लिमी, ऑडियस, सॉर्डिड, डिस्गस्टिंग, एबोमिनेबल एंड सिकनिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एसेंचुएट। एसेंचुएट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में जोड़ देना या बल देना। एसेंचुएट कन्वल्स, एंटवीन, एंटविस्ट एंड अनवरेथ, किसी चीज़ को एम्फोसाइज करना, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंचुएट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बेनिशन। बेनिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना या शुभकामनाएं देना। ग्रीटिंग बेनिशन एंड ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैलो। कैलो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, अनएक्सपीरियंस, अनुभवहीन, जो बिल्कुल ही बिगनर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलो। इनएक्सपीरियंस सकिंग, अनएक्सपीरियंस्ड इन एक्सपर्ट, कैलाओ, नोवाइस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डाइवल्ज। डाइवल्ज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, किसी का रहस्य खोलना, किसी की कुछ सीक्रेट बातें हों उनको रिवील कर देना, तो वो हमारा क्या होता है, डाइवल्ज। डिक्लेयर करना, डिनोट, डायग्रामेटाइज करना, डिसएम्बोजम करना, एवेंस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का सेक्शन है। तो पहला जो वर्ड है वो है एब्निगेशन। एब्निगेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिनायल, रेनाउंसमेंट, रिलिंक्विशमेंट, एब्निगेशन, डिवोटमेंट एंड इमोलेशन। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सेप्टेंस, एसेंट, एडमिशन, एडॉप्शन, अप्रोबेशन एंड कंप्लायंस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अब्लेज। अब्लेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, जलता हुआ। सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्यूरियस, फ्लामिंगो, एजिटेटेड, इलेटेड, फर्स्ट, एवर, वेसेंट। एंड एंटोनिम्स हो जाएंगे ओवर, सीज्ड, कंप्लीटेड, डिसमिस्ड, डन एंड एक्सटिंग्विश, किसी चीज़ को बुझाना, ये इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है वो है नीनकंपॉप। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, मूर्ख। सिनोनिम्स हो जाएंगे फुलिस, फूल, स्टूपिड, इडियट, मरन, गूफ एंड स्लॉव। एंटोनिम्स हो जाएंगे सेंसिबल, सेन, ब्रेनी, क्लेवर, रेशनल एंड श्रूड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नेक्सस। नेक्सस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, बंधन या कोई बॉन्ड। सिनोनिम्स हो जाएंगे लिंक, बॉन्ड, रेस्ट्रिक्शन, ट्रस्ट, नेक्सस, सैकल एंड स्वेथ। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसकनेक्शन, एंटागोनिज्म एंड डिसिमिलैरिटी। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो पहला जो है वो है अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। कोई ऐसा जगह जहाँ पे कुछ बोलते हैं ना कि कुछ जुए बाजी कुछ खेले जाते हैं, या कुछ ऐसा जो कुछ अड्डा रहता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस जगह को, कैसिनो। नेक्स्ट जो है वो है अ कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर। ऐसा आपका पर्सनालिटी होना कि आप दूसरे को क्या करो, इंस्पायर या इन्फ्लुएंस करो, तो उसका मतलब क्या होता है, करिश्मा। करिश्मा का मतलब क्या होता है, किसी को इन्फ्लुएंस करना या किसी को अट्रैक्टिव वे में इंस्पायर करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या रीजन का जो एक स्पेशल डिश होता है, उसको बनाने की का जो तरीका होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्विजीन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, प्रयत्न या प्रयास, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडेवर। नेक्स्ट जो वर्ड है अ लवर ऑफ वर्क, इसका मतलब क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एर्गोफाइल। एर्गोफाइल वो होता है जो अपने काम को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं और अच्छी तरीके से ईमानदारी से करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहने वाला है वो है ईडियम एंड फ्रेजेस का। तो पहला जो ईडियम है वो है
इन्स एंड आउट्स, जिसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट फैक्ट्स। नेक्स्ट जो है वो है टू टेक स्टॉक ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में केयरफुली सोचना, केयरफुली थिंक करना, उसे हम क्या बोलते हैं, टू टेक स्टॉक ऑफ। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है अलाइव एंड किकिंग, जिसका मतलब क्या होता है, हेल्दी एंड डूइंग वेल। नेक्स्ट जो है वो है गिफ्ट ऑफ द गैब, ये 2023 के जो पहला शिफ्ट था, सॉरी फर्स्ट या सेकेंड वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टो द लाइन, जिसका मतलब क्या होता है, फॉलो द रूल, रूल को फॉलो करना, जिसका मतलब क्या होता है, टो द लाइन। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है रूट वर्ड का, पहला जो रूट वर्ड है वो है आ। आ का मतलब क्या होता है, विदाउट। अगर किसी भी सेंटेंस में आ लगा दें, जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल के आगे सॉरी एब लगा दें, तो एब का मतलब भी नॉट होता है। और इस टर्म में जैसे कि आप लोग नेक्स्ट में बताती हूँ, अब इस जिसमें क्या होता है, विदाउट बॉटम, मतलब जिसमें कोई बॉटम नहीं हो, बेस नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अबेस। नेक्स्ट जो वो है ए, इसका मतलब क्या होता है, इसका अनदर मीनिंग क्या होता है, ऑन, मतलब किसी चीज़ पे होना, अ फायर मतलब ऑन फायर। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है एब, तभी मैं इसके बारे में बता रही थी, अगर किसी में एब है या अ है, तो कहीं कहीं ऐसे सेंटेंस आते हैं जिन दोनों का मतलब क्या होता है, नॉट या विदाउट। एब्सटिनेंस, जिसका मतलब क्या होता है, नॉट इंडल्ज इन एल्कोहल, कि जितने भी हमारे शराब वाली चीज़ें या एल्कोहलिक बेवरेज हैं, उनमें इंडल्ज नहीं होना, इंक्लूड नहीं होना, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सटिनेंस। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है एक्रो, एक्रो जिसका मतलब क्या होता है, हाइट, टिप एंड बिगनिंग। एक्रो से जो वर्ड बना है वो है एक्रोबेट, अ हाई वॉकर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंथ्रोप या एंथ्रोपो, जिसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन या मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो ह्यूमन विज्ञान के बारे में या मानव के बारे में जो स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी में फिल एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, लव, द लव ऑफ मैनकाइंड। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।